हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. आज है 4 मार्च. 3 को शादियाँ थीं, फंक्शन और मुंडन की दावत थी, और ये आए हैं तो सोच रहे थे वीडियो बना लेंगे, लेकिन बन नहीं पाया. और ये कॉफ़ी बना रही हूँ, कॉफ़ी बैठे पी भी रहे थे तो मैंने देखा, तो आज इसमें बनाने का प्रयोजन करा. शक्कर, कॉफ़ी और थोड़ा सा पानी डाल के बैठे बैठे बना रही हूँ. और बेटा आया तो हम दोनों ने, माँ बेटे ने पिया. तो उसी दिन से शुरुआत हुई है. हस्बैंड का वेट कर रहे थे, फिर वो आ गए थे, फिर हम लोग खाना खाए. खाना खा लिए तो किचन साफ़ करके मैं लेट गई थी, ये बैठे वेट कर रहे थे. फिर जब वो आए तो फिर ये बाद में लेटे. फिर 3 की मॉर्निंग उठे तो इतनी बारिश, गजब की बारिश. बारिश रात में भी हो रही थी, काफ़ी बारिश का मौसम बना हुआ था. फिर सुबह में वही हुआ कि जब खाना पीना जो भी हुआ, तहरी खिचड़ी बनी. नाश्ता होने के बाद साफ़ सफाई हुई और मेरी कमर में बहुत प्रॉब्लम थी तो बुला गया था भैया. 2 भैया आए थे बुलाने, एक तो बबली का देवर था और एक और. तो मैंने कहा चलूँ तो कह रहे हैं, बोले तुम्हारी मर्जी, बैठने में प्रॉब्लम होगी, देर तक लंबा समय जाएगा. हमने कहा और कुछ हो जाए कमर में तो इससे अच्छा है, मैं नहीं जाती हूँ. ये मैं घूम टहल के आ रही हूँ बाहर से, देखते हुए नज़ारे. प्रसाद देने गई थी फिर वापस आ गई हूँ. जब बाहर निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. फिर अच्छा काम भी पड़ा हुआ था, बेटा अंदर रूम में बैठा हुआ था और सारा ऊपर. हमने कहा कौन सा लॉक करें, गेट भी लॉक नहीं करा था. तो जल्दी जल्दी गए भागते हुए और भागते हुए आ गए. हस्बैंड सुबह उठे, सोनू को जगा के लाए ज़बरदस्ती. वो चाय वाय पिए, ये लोग बैठे बातें करते रहते. मेरे तब तक पूजा पाठ हो गया, अब ये लोग जा चुके हैं. यही था कुकिंग शुरू हो. नाश्ता भी नहीं करा था, बोला कि मैं जा रहा हूँ. हमने कहा अच्छा ठीक है, अभी आना तो करना है लौट के. तो अब ये मेरा खाना बनना शुरू हो गया है. और कहीं पे बिजली वाले अपना तार वार बना बदल रहे हैं तो लाइट इतनी कटती है, इतनी अगर मन हो कि टीवी देख लें थोड़ा सा तो 10 मिनट बाद चली जाएगी, फिर आधे घंटे 1 घंटे बाद आएगी, फिर 10 मिनट बाद चली जाएगी. तो ये मैं नेक्स्ट डे का है, आटा गूँथ रही हूँ बेटे को नाश्ता कराने के लिए. थोड़ा थोड़ा सा छुटपुट बनाई है, क्लिप्स कह सकते हैं आप. ये तो समझ ही गए होंगे मैं क्या करने जा रही हूँ, लेकिन अच्छे से नहीं समझे होंगे. अब सस्पेंस नहीं रहा, खुल गया, मैंने पहले ही बता दिया. तो ये कल हम लोगों ने पिया था, यानी 5 को शाम के समय, फिर फ्रिज में रख खाई थी. और आज है 6 मार्च, तो बैठे हैं यही कॉफ़ी पी के. सोच रहे थे नुकसान तो नहीं करेगी अभी बनाने, एक हाथ से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कहाँ बनेगी. ये मशक्कत करनी पड़ी थी तकरीबन 10-15 मिनट तक, तब ये जाके फ्लफी हुई थी. तो एक एक दो दो चम्मच लेके हमने और बेटे ने लिया, फिर फ्रिज में रखाए थे, लाए, पीने के मूड में थे. आज शाम को मन हो रहा था लेकिन वो टेस्ट नहीं था. लोग कैसे शीशी में भर के रख देते हैं. तो बहुत अच्छे से तो नहीं, पूरा दिन का डेली रूटीन तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जो बना है तो रखाए थे, वो टेस्ट अच्छा नहीं था. आज आज भी रहा वही नाश्ता और वही खाना. फिर अब शाम हो गई तो भिंडी की ग्रेवी वाली सोच रही हूँ बना लूँ. और कोई सब्जी मन ही नहीं कर रहा, ना गोभी ना मटर, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है. कद्दू कद्दू कुछ भी नहीं. भिंडी इस समय मन कर रहा है, भिंडी बनाई थी थोड़ी रखी हो, ग्रेवी वाली बना लूँ. तो ग्रेवी वाली खाएगा तो बना लेंगे, नहीं उसकी सूखी सब्जी रखी है, थोड़ा सा भरता रखा हुआ है. तो कल का, परसों का, 2, 3, 4, 5 और आज 6 को वॉइस ओवर कर रही हूँ. ये सब मिला के खिचड़ी पेश है. जो अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं. जा रहे हैं, और ये 5 का है. और आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर मिलेंगे. टाटा.